Hello everyone, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC and this is Vinod Kumar Garg. In this video, you are going to learn about how to memorize Prime Ministers of India in chronological order by using a memory technique called Harmony Method. तो हार्मनी मेथड में हम करते क्या हैं कि 1 से लेकर 20 तक के जो डिजिट्स है उसको हमने पिक्चर के साथ एसोसिएट किया है और उसकी एसोसिएशन को हम आगे इमेजिनरी स्टोरीज बनाकर किसी भी कंटेंट को परमानेंटली याद कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने यहाँ पे हार्मनी मेथड को अप्लाई किया है टू मेमोराइज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो वन को हम एसोसिएट करते हैं गन के साथ. तो आपने इमेजिन करना है कि जो गन है, गन पॉइंट के ऊपर किसी से हीरे जवाहरात लूटने की घटना का एक दृश्य आप देख रहे हैं किसी मूवी के अंदर. तो जवाहरात लूटने की घटना से हम याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू. टू को हम एसोसिएट करते हैं जू के साथ. तो इसमें आपने याद रखना है कि आपने जू में गुलाब के बाग में लाल रंग के बर्ड्स को देखकर आनंद लिया. तो यहाँ से आप याद करेंगे गुलजारी लाल नंदा, ही वॉज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर. थ्री को हम एसोसिएट करते हैं बी के साथ. बी ने आपको आपकी स्किन के ऊपर डंक मार दिया, स्किन लाल हो गई, पर आपने बहादुरी दिखाते हुए बी हाइव को उखाड़ कर फेंक दिया. तो लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री आपको याद रहेगा. फोर को हम एसोसिएट करते हैं डोर के साथ. तो आपने डोर ओपन किया तो बाहर आपके लिए कोई गुलाब लेकर मिलने का इंतज़ार कर रहा था और उसे देखते ही आप आनंदित हो उठे. ठीक है, तो अगेन आप याद रहे गुलजारी लाल नंदा जो के एक्टिंग पीएम थे. तो फाइव आपने याद रखना है, फाइव को हम एसोसिएट करते हैं हाइव के साथ. ठीक है, इंडियन बी, हाइव बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है. तो इंडियन बी के हनी की सुगंध बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो इंडियन से इंदिरा और सुगंध से गंध मतलब गांधी. तो इंदिरा गांधी वॉज फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, तो बात करेंगे सिक्स्थ की. तो सिक्स को हम एसोसिएट करते हैं विक्स के साथ. तो इसमें आपने इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करने के विक्स इज मोर इफेक्टिव एंड गिव यू रिलीफ इन 10 मिनट्स. 10 मतलब 10. ठीक है, और मोर से मोरारजी देसाई जो है वो सिक्स्थ पीएम थे हमारे इंडिया के. और सेवन्थ की बात करते हैं. सेवन को हम एसोसिएट करते हैं हेवन के साथ. तो आपने इमेजिन करना है कि बेस्ट पीएम के चरण अगर पार्लियामेंट में पड़ जाएं तो देश स्वर्ग बन सकता है. तो चरण से चरण सिंह, अगेन ही वाज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर. एट को हम एसोसिएट करते हैं गेट और प्लेट के साथ. तो इसमें आपने इमेजिन करना है कि इंडियंस जनरली ईट फूड इन प्लेट्स या इन स्टील प्लेट्स. तो अगेन इंडिया से इंदिरा गांधी. ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम पीएम नंबर 9 और 10 की. तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपका बेनिफिट होएगा अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि सिक्स्थ कौन है या फिफ्थ कौन था या करंट कौन है. तो उसके लिए आपका ये बेनिफिशियल रहने वाला वीडियो. तो 9 को हम एसोसिएट करते हैं वाइन के साथ. तो यहाँ पर आपने याद रखना कि आपको आपके एक फ्रेंड की राज की बात पता चली कि वो वाइन पीता है. ये पता तब चला जब आप उसके अंदर से दुर्गंध आपको आ रही थी. ठीक है, तो राज की बात से राजीव याद रखेंगे हम. ठीक है, राजीव गांधी, दुर्गंध से गांधी. और 10 को हम एसोसिएट करते हैं पेन के साथ. तो अभी बात करेंगे कि पीएम जो होते हैं वो वीआईपी पर्सन होते हैं और कॉस्टली पेन यूज़ करते हैं फॉर साइन. तो वीआईपी से बीपी सिंह. सो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.